हेलो एवरीवन, हाय, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो आई होप आप लोगों ने क्रिसमस न्यू ईयर सब अच्छे से एंजॉय कराओ। तो आज हम करने वाले हैं छोटा सा शॉपिंग हॉल, क्योंकि मैं कल गई थी मॉल और मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बाय करी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मैं पर्पल के स्टोर पर विज़िट करा, देन मैंने न्यू यू के स्टोर पे विज़िट किया, देन मैं मार्स के स्टोर पे गई थी। यस, मार्स ने भी अब जगह जगह काउंटर लगाने शुरू कर दिया, वहाँ पे गई थी। एंड देन ऑब्वियसली मैं मिनीसो गई थी। सो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा सामान है और एक बैग भी है जो मैंने ट्रेंड से लिया है। आई रियली लाइक इट, आई बॉट इट। सो या चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अ बैग, तो ट्रेंड्स में काफ़ी अच्छा ऑफर लगा हुआ था, तो ये बैग मुझे मिला है 300 रुपीज़ का। वेल, आई लाइक द कलर, आई लाइक द कलर पैलेट, इट्स वेरी न्यूट्रल एंड वेरी मी। सो हाँ, इट्स वेरी मी। ओके, मैं बहुत न्यूट्रल और बड़े बेसिक से कपड़े पहनती हूँ। सो मैंने ये देखा, मुझे काफ़ी पसंद आया। इसमें ये अलग से स्लैप नहीं है, एक वन ही है। एंड देन ये बिल्कुल हमें, मुझे मेरे बचपन की याद दिला रहा है। लाइक हमारे पास वो बैग होते थे ना, मेरे पास तो थे, लिटरली मेरे पास था। मैंने सेकेंड क्लास तक यूज़ किया है, जिपर बैग मेरे पास तब तक नहीं आए थे। सो ये यहाँ पे इस तरीके का लगा हुआ है। देन इसके अंदर ना ये बेल्ट आती है कुछ इस साइज़ की, विच इज़ वेरी इन ट्रेंड राइट नाउ। ओके, बकल बेल्ट आती है इसके साथ, एंड बस बेसिकली इस तरीके का है अंदर से। ओके, इस तरीके का अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, आई रियली लाइक इट। जिपर के साथ आता है एक अंदर, एंड मुझे काफ़ी पसंद आया। सो आई वॉज लाइक ठीक है यार, इन्वेस्ट कर लेते हैं। ओल्ड ये काफ़ी अच्छा लगा था, मैं अभी डाल के दिखाती हूँ। सी मी, आई एम वेरी टाइनी। ओके, बट आई होप यू कैन सी मी। इट्स कूल, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इट्स रियली कूल एंड वेरी हैंडी। सो बेसिकली आई लाइक इट, सो आई बॉट इट। एंड इट्स ओनली फॉर 300 रुपीज़, सो इतनी भी कोई बुरी डील नहीं थी, काफ़ी अच्छा था। अच्छे बेस को अचीव करने के लिए या फिर एक अच्छे मेकअप लुक को अचीव करने के लिए हम करते हैं एक अच्छा स्किन केयर। सो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर जो मैंने इस बेस के अंदर किया हुआ है। एंड सो आई एम स्टार्टिंग विद द डर्माकोट 10% विटामिन सी सीरम। इट हैव विटामिन सी एंड प्लस नायासिनामाइड एंड विटामिन सी। इट हेल्प्स इन रिड्यूस डलनेस एंड प्रोवाइड यू वेरी ब्राइट ग्लोई डूई स्किन, बट एट द सेम टाइम रिड्यूस डार्क स्पॉट्स 2x फास्टर। एंड जब से मैंने यूज़ करना स्टार्ट करा है, मेरी स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा ग्लोई रहती है, डूई रहती है, बहुत ज़्यादा फर्म रहती है, एंड मेरी स्किन एकदम प्लम फील करती है। आई पेयर दिस सीरम विद द डर्माको ऑयल फ्री डेली मॉइस्चराइजर। इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड विच डीपली हाइड्रेट योर स्किन एंड प्रोवाइड यू वेरी प्लम एंड डूई स्किन, एंड सेरामाइड प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस एंड कीप योर स्किन सपल। एंड जब से मैं ये कॉम्बो अपनी स्किन पे लगाने लगी, मेरी स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, डूई रहती है। आई हैव अ ड्राई स्किन एंड ये मेरी स्किन को बहुत डीपली मॉइस्चराइज करता है। मॉइस्चराइजर इज ऑयल फ्री एंड नॉन ग्रीसी फॉर्मूला। ड्राई स्किन लाइक मी, आपको ये कॉम्बो जरूर ट्राई करना चाहिए। बाइंग दिस फ्रॉम द डर्माको साइट, डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड SOMO2024। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन नाइका, एमेजोन, फ्लिपकार्ट, पर्पल। डर्माको ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री। The Dermaco has been empowered 10,000 plus students this year with their Young Scientist Initiative. Every time you buy from them, they will link your order to child. They help to educate along with the Bhumi. You see my skin feels so glowy, so do you. Oh my god, I'm obsessed. Now let's talk about Miniso. So मैंने Miniso से क्या लिया? Okay, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैं जब भी Miniso जाती हूँ, मैं सबसे पहले अगर कोई चीज़ लेती हूँ, अगर आप लोगों को पता हो, सो वो मैं लेती हूँ इनके कॉटन पैड्स। यू गाइज नो दैट हाउ मच आई ऑब्सेस विद मिनीसो कॉटन पैड्स। दे आर वेरी अफोर्डेबल, वेरी गुड क्वालिटी, एंड आई रियली लाइक दैम। एंड आई डोंट नो दे आर बायोडिग्रेडेबल और नॉट, बट मुझे कॉटन पैड की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। सो मेरे लिए एक पाउच पूरे साल के लिए काफ़ी है, तो मैं इतना भी ज़्यादा गंदी नहीं फैला रही हूँ अर्थ पे। सो या बेसिकली मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसके अंदर आते हैं 150 कॉटन पैड्स। सो बेसिकली दिस इज़ द रीपर्चेज, लाइक यू कैन सी सेम वन। ओके, सो अब की बारी 290 रुपीज़ का है। ओके, सो इसमें जो कॉटन पैड्स आती हैं वो कुछ इस तरीके की आती हैं, क्वाइट अ गुड साइज़। लाइक मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, सो पाम साइज़
देख सकते हो। एंड मेरे लिए काफ़ी रहती है मेकअप रिमूव करने के लिए या फिर हॉट वाटर मास्किंग करने के लिए, और वैसे भी इन जनरल भी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पैचिंग वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी लगती है, लाइक एसेंस डालो एंड लगा लो चेहरे पे। सो मैं काफ़ी तरीके से इन्हें यूज़ करती हूँ। अभी ये काफ़ी बची हुई हैं, लाइक बहुत सारी बची हुई हैं, तो मैं अभी इन्हें यूज़ करूँगी। मैं साल में सिर्फ एक पैकेट लेती हूँ, एंड पिछले साल भी मैंने जान में लिया था, इस बार भी मैंने जान में लिया है। सो या मुझे लगता है ये सर्कल काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो अभी मैं इन्हें ओपन नहीं करूँगी, मैंने वैसे कर दिए ये, तो अभी मैं इन्हें यूज़ करने वाली हूँ। आई रियली लाइक दम, दे आर गुड क्वालिटी एंड इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो एज़ कम्पेयर देन किसी हाई एंड ब्रांड से, मैं यहीं से कॉटन पैड्स लेना पसंद करती हूँ। दे आर रियली जेंटल ऑन योर स्किन, दे आर रियली सॉफ्ट एंड दे आर डबल लेयर कॉटन पैड्स। अदर रिकमेंडेशन फ्रॉम मिनीसो इज देयर पैड्स, लाइक सैनिटरी पैड्स, ओ माई गॉड, दे आर मस्ट हैव। मैंने इस बार अपने पीरियड्स में यूज़ करे, इतने जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं एंड इतने क्लीन, ना कोई फ्रेगरेंस है, ना इरीटेशन है, 100% कॉटन, डबल सॉफ्ट, डबल लेयर्ड, एंड आई रियली लव दैम, आई रियली लव दैम, आई हाईली रिकमेंड यू। एंड इट्स ओनली फॉर 220 रुपीज़ फॉर 8 पैड्स, आई लव दैम। एंड मैं इन्हें ही लेने गई थी, बट ये मिले नहीं थे, तो मैंने वो ले लिया था। सो या बेसिकली गई क्या थी, लिया क्या। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस क्यूट कॉम्बो। सो मैंने ये सिंगल देखा, तो ये सिंगल था थोड़ा एक्सपेंसिव, बट ये डबल के पेयर में, लाइक इस कॉम्बो में था चीपर, इट्स ओनली फॉर 230 रुपीज़। तो इसके अंदर ये कॉम्ब आ जाता है, जो मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, बट अभी हम यूज़ करते हैं इसे। ओह आई लाइक इट, मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं। यस ओके, मुझे लगता है लड़कों के लिए ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज मेरे बालों को तो फ्लैट कर देगा, बट ठीक है, काफ़ी अच्छा। वो जो सर में लगने वाली फीलिंग होती है ना, जो आपको बहुत रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है, देखो वो फीलिंग तो है इसके साथ, बट है यार, बैग वैग में रख सकते हो, काफ़ी ठीक है। बट अगर तुमने कभी स्लीक बाल किए हो, अगर मेरी तरह तुम्हें वेवी 90s वेव पसंद है, तो भाई ये सब फ्लैट कर देंगे। देन इसके साथ मिला था क्लीचर, एंड बोथ आर पर्पल, ये यू नो दैट हाउ मच आई लव पर्पल, सो आई लव पर्पल। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके मैं अपने बाल बना के देखती हूँ कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। सो ओके दे होल्ड माय थिक लॉन्ग हेयर काफ़ी अच्छे से एंड बड़े ही इजीली। ओके दे कैन होल्ड योर हेयर एंड क्वालिटी वॉज रियली अमेजिंग। एंड इन जनरल मुझे मिनीसो के क्लीचर बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो या आई रियली लव दिस कॉम्बो, एंड इट्स ओनली फॉर 230 रुपीज़, इट्स अ काइंड ऑफ अ मस्ट हैव, एंड अगर आप जा रहे हो तो आप ले सकते हो, एंड इट्स वेरी क्यूट, एंड इट्स कम इन अ डिफरेंट कलर, सो आप अपने एस्थेटिक के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट पर्पल, मैंने पर्पल से क्या लिया। सो ये रहा पर्पल का बैग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पर्पल भी मॉल्स में अभी स्टोर खोलने लग रहा है धीरे धीरे, बट उनके स्टोर्स में ना आपको एक चीज़ का फ़ायदा है, कफ एंड लैशेज, बहुत सारी ब्रांड है, कोरियन ब्रांड से लेके इंडियन ब्रांड, बहुत सारी ब्रांड्स है जो आप देख सकते हो, एंड उनका स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा, आपको बहुत अच्छे से अटेंड करता है। सो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड ऑल्दो मैंने इस बार वहाँ से लिए पैड ही आगे ही रखे हुए थे, यार मेरे को पीरियड्स हो रहे हैं, मैं सिर्फ पैड्स के बारे में ही सोचती हूँ और किसी बारे में अभी नहीं सोच रही हूँ। बेसिकली मेरा मोटिव ही पैड लेना था, बट मुझे मिनीसो में नहीं मिले, तो फिर मैंने सोचा यहाँ से ले लेती हूँ। ये कोई सेफ करके ब्रांड है, तो ये रैश फ्री है, इको फ्रेंडली पैड है, प्लांट बेस है एंड सैनिटरी पैड, बस इन पे यही लिखा हुआ है। वेल मुझे ये इसलिए पसंद आए क्योंकि इनके साथ ये थ्रो अवे पैकेट आता है, जिसमें आप डाल के इन्हें वो कर सकते हो, फेंक सकते हो बेसिकली। एंड पैड कुछ इस तरीके की, काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्लीक है एंड कॉटन है। ओके सो मैंने इससे सिर्फ ये लिए पैड, मैंने एक बार यूज़ करे, दे आर डिसेंट बट आई डोंट लाइक दम दैट मच, दे आर फॉर 220 रुपीज़, 220, 230 समथिंग कुछ प्राइस के अकॉर्डिंग। सो हाँ 220, आई डोंट लाइक दम दैट मच, मुझे मेरे मिनीसो वाले बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू यू। ओके अगर आपको न्यू यू के बारे में नहीं पता, तो न्यू यू भी एक मेकअप स्टोर है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मेकअप ब्रांड्स हैं, एंड मोस्टली सब इंडियन ब्रांड्स हैं, लाइक नायका, स्विस ब्यूटी, इनसाइड कॉस्मेटिक्स उसमें नहीं है, एंड काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं वैसे ओल्ड, अगर मैं देखूँ तो। एंड उनका स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा
थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है वहाँ पे आपको घुसने के बाद में कि आपको कुछ लेना ही पड़ेगा, बट अगर आप मेरे जैसे ढीट हो तो अगर आपको कुछ पसंद नहीं आएगा तो आप नहीं भी लोगे। बट या इस तरीके के पाउच में वो लोग देते हैं, हो सकता है मैंने सिंगल प्रोडक्ट लिया हो इसलिए इस तरीके के पाउच में दिया, बट आई लाइक दैट उन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैंने क्या प्रोडक्ट खरीदा एंड मैंने वो यूज़ भी करा है। लुक एट दैट, मैंने वो यूज़ भी किया हुआ एंड यू गाइस नो दैट हाउ मच आई ऑब्सेस विद दिस प्रोडक्ट। सो इट्स अ स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड गेस वॉट, दे आर अवेलेबल इन 14 शेड एंड माई शेड इज 14 वो मनी। आई डोंट नो 14 शेड या उन्होंने कुछ और शेड लॉन्च करी है, बट दिस शेड इज फॉर मी लाइक अ वॉर्म हनी। इट मीन्स वॉर्म एंड न्यूट्रल, हल्की सी डार्क है मुझे, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे से हाइड करा। एंड यू गाइज ऑलरेडी नो दैट द फॉर्मूला इज रियली अमेजिंग। इसका सेपरेट रिव्यू मैं जरूर दूंगी बिकॉज सिस बेटे ने कर दिखाया। न्यू ईयर एंड आई फाउंड अ बेस्ट कंसीलर, लाइक बेस्ट कंसीलर, इससे अच्छा न्यू ईयर का साइन और क्या हो सकता है कि आपको अपने वैसे मैंने बस एक गलती करी, मैंने ये एक ही लिया है, बट ये स्टोर कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। मैंने जितने भी प्रोडक्ट है गोल्ड सिटी मॉल से लिया है तो मैं कभी भी जाकर रीपर्चेज कर सकती हूँ, एंड फॉर 249 रुपीज़ जो कि स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पर डिस्काउंट नहीं था। देन आई वेंट मार्स, फर्स्टली मार्स के बैग की मुझे बहुत तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज मुझे बहुत ही पसंद आया, बहुत तारीफ का मतलब मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक द ब्रांड रिप्रेजेंटेशन, आई लाइक एवरीथिंग, द पैकेजिंग, द लोगो, लाइक अ वेबसाइट लोगो एंड इंस्टाग्राम लोगो, लाइक भाई जब ब्रांड इस छोटे से बैग में इतना कुछ रिप्रेजेंट कर दे बहुत अच्छे तरीके से तो हमें लिटरली अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड लुक एट दैट, दिस इज मार्स कॉस्मेटिक्स इंडियन ब्रांड एंड दिस इज मिनीसो। ओके, दिस इज मिनीसो जिस पे ब्रांड पे कोई लोगो नहीं किया हुआ है बैग पे, जिससे वो हमसे 10 रुपये चार्ज कर सकें, एंड दिस बैग इज़ फ्री बिकॉज उन्होंने ब्रांड लोगो कराया। छोटी ब्रांड होने के बाद में वो इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिला, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। लिटरली कोई भी ब्रांड अगर ब्रांड लोगो के साथ में आपसे पैसे लेती है, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड। सो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो ब्रांड लोगो नहीं रखती जिससे वो आपसे पैसे चार्ज कर सके, एंड वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं इको फ्रेंडली बैग, रीयूजेबल बैग, समथिंग कुछ इस तरीके का करते हैं, बट दैट वॉज अ वेरी पथेटिक सर्विस फ्रॉम एनी फ्रेंचाइजी और एनी ब्रांड। मैं इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप पैसे दे के बैग लो, फर्स्टली रीयूजेबल बैग लो, जैसे मैं वो बच्चा कैद करने वाला बैग लेके घूमती हूँ, टोट बैग, बट अगर आप वो यूज़ नहीं करते हो आप किसी अच्छे स्टोर जाओ, एक बैग से कुछ भी शॉपिंग करो एंड उसमें सब कुछ डाल के चले जाओ। बट या उन्होंने मुझे बहुत सुंदर बैग दिया एंड डेफिनेटली मैं इसे रीयूज़ करने वाली हूँ गिफ्टिंग वगैरह में, इस पर रिबन वगैरह लगा के किसी को गिफ्ट कर दूंगी बिकॉज मुझे इस तरीके के बैग फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। दे आर रियली क्यूट एंड ये वाला बैग भी मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ। मैं लेने गई थी वंडर कॉम्पैक्ट बिकॉज वो टू सेपरेट कॉम्पैक्ट इन अ वन करके कुछ आता है, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था ऑनलाइन देखने में, एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि वो मैक के स्टूडियो फिक्स की तरह है, बट वो मुझे नहीं मिला, मोस्टली वो अवेलेबल नहीं है, बस ऑनलाइन ही अवेलेबल है। सो उन्होंने मुझे दिखाया ये वाला कॉम्पैक्ट, प्राइस वॉज वेरी रीजनेबल, ओनली फॉर 249 रुपीज़, कोई डिस्काउंट नहीं है, और यार मुझे नहीं लगता आपको 249 रुपीज़ में डिस्काउंट का क्रेव करना चाहिए जबकि आप स्टोर से ले रहे हो और वो इतनी सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। यार थोड़ा सोचा कर, पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक थोड़ी सी मैक की ही रिजेंबलेस्ट है, बट ऑल दो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, पाउडर दिखता कुछ ऐसा, मुझे लगता है मुझे काफ़ी अच्छे से मैच करेगा। ऑल दो मैंने अभी तक यूज़ नहीं करा है, वेल वो मुझे कह रहे थे 03 शेड लेने के लिए, बट मैंने वो नहीं, यस ये मुझे बहुत अच्छे से मैच करेगा, वो मुझे कह रहे थे 03 शेड लेने के लिए, बट मैंने 03 ना लेके मैंने 05 शेड लिया। ये हल्का सा वॉर्म है विद अ न्यूट्रल हिंट ऑफ हनी, हनी ये बोल सकते हो, पीच और हनी, या आई रियली लाइक इट ये शेड, तो मैंने ये वाली ले लिया। ये भी एक अच्छे से पफ के साथ आता है एंड इसमें यहाँ पे अगर आप ये हटा दोगे, अगर आप यहाँ से ये हटा दोगे तो आपका जो पाउडर पफ है वो काफ़ी अच्छे से ड्राई भी हो पाएगा। लाइक तो जब मैं गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनका एक लिप लाइनर भी ले ही लूँ, मेरे पास 2 शेड है, 10 शेड है, मतलब जितने भी इनके ब्राउन शेड है मैंने सब ले लिए हैं। सो यहाँ पे मैंने शेड ली है 03 शेड ली है मैंने, जिसका नाम है ब्लड बार्थ, आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट लेट्स ओपन इट एंड देखते हैं। फॉर्मूला यू गाइज नो दैट आई लव
देयर लिप लाइनर फॉर्मूला सम मस्ट हैव अगर आप शिट सम मस्ट हैव इफ यू वांट अफोर्डेबल ग्रेट लिप लाइनर. ओके इट्स अ ब्राउन विद अ हिंट ऑफ अ पिंक एंड रेड. It's a very different brown. It's a warm brown with a hint of a red and pink, like mahogany red something. Really like it. You see that? Wow, my lips kind of look better. The shade is absolutely beautiful. I like it. I bought it, and it's only for 69 rupees. So that's it. That's the yesterday haul. And yeah, so mere New Year ke resolution sirf yahi hai. खर्चा कम करूं, खुद पे ध्यान दूं, मोटिवेटेड रहूं, बिल्कुल भी लो ना रहूं एंड कोशिश करूं कि इस साल मैं बहुत कम रोऊं, लाइक बहुत कम रोऊं. बिकॉज मुझे जब भी एंजाइटी होती है मैं बहुत गंदा रोने लगती हूं और मैं भड़बड़ भड़बड़ हो जाती हूं. वो मैं बिल्कुल नहीं कोशिश करूंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी. एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी. वेल, ये बहुत लंबा स्टोरी टाइम है बट फिर भी मैं बता देती हूँ. इस साल मैंने कोशिश करी है कि मैं पुरानी हर चीज़ को लेट गो कर दूँ, हर चीज़ को, चाहे वो मुझे कभी अब्यूज़ लगा हो, चाहे वो कभी मुझे किसी भी तरीके का वॉयलेंस लगा हो, कुछ भी लगा हो, मतलब मेरे मन में जिसको भी जो भी गंदी चीज़ें हैं ना, किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके, किसी को भी लेके, मैं सबको चूल्हे में डालना चाहती हूँ. लाइक फिटे मुँह चूल्हे में जाओ, जो करो वो करो, मेरे को शांति रहने दो. बिकॉज आई वॉन्ट माई मेंटल स्टेट वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज मुझे लगता है अपकमिंग ईयर्स में मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत बहुत सारे तरीक़ों से नहीं होने वाली है. वेदर इज़ अ जॉब, वेदर इज़ माई लव लाइफ एंड बहुत सारी चीज़ों को लेकर. तो मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करके एंड पॉजिटिव तरीके से अपनी न्यू लाइफ में एंटर करना चाहती हूँ. ये बातें मेरी एज से मैच करती हैं. देखो चेहरे से करें ना करें, एज से करती हैं. आई एम 24, सो समझ जाओ. तो मेरे चेहरे से मैच करें ना करें, एज से कर रही हैं. सो या मैं बहुत पॉजिटिवली रहना चाहती हूँ एंड मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहती हूँ. चीज़ कहती हूँ आप लोगों से, तुम लोगों को 100 लोगों की ज़रूरत नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ एक लोग की ज़रूरत है. मेरी लाइफ में लिटरली 2-3 लोग हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं एंड दे आर गुड इनफ फॉर मी. दे आर माय लाइफ. मैं उन लोगों के साथ अपनी लाइफ बिता सकती हूँ. एक के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा जानते हो, करिश्मा मेरी फ्रेंड. मुझे के बारे में सब जानते हैं और सब उसके बारे में पूछते रहते हैं, वो कैसी है, क्या कर रही है, अब तुम मुझसे मिल नहीं रही हो, अब तुम डेट पे जा रही हो. देखो हम मिलते हैं बट हम दोनों का ना हम दोनों के लिए ये हो गया कि हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं ना, तो हम बड़े ना ओल्ड कपल्स हो चुके हैं. लाइक जो साथ में बैठे रहते हैं और बात नहीं करते बट खुश रहते हैं, हमारा वही हो गया. सो या बेसिकली दैट. सुन मी केयरफुली, मैं चाहती हूँ इस बार हम 50K कंप्लीट कर ले इस ईयर में. इस ईयर में मैं अपने करियर को ग्रो होते हुए देखना चाहती हूँ. सो प्लीज़ हेल्प मी आउट. हमें 30K कंप्लीट नहीं कर पाए, हम अभी 30K कंप्लीट नहीं कर पाए हैं. लाइक 30K जोड़ो 13K कंप्लीट नहीं कर पाए. सो या ट्राई टू शेयर माई वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वेल थैंक यू गाइज. एंड अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए नीचे कमेंट में लिख के छोड़ देना. एंड ये सब चीज़ें मुझे बतानी थी. सो आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. एंड बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर वीडियो.